क्या आप जानते हैं 2019 की शुरुआत होते ही धरती पर कितने मेहमानों ने कदम रखे, यानी कितने बच्चे अब तक पैदा हुए। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक साल की पहली तारीख को दुनिया भर में करीब 4 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से 50% बच्चे सिर्फ 7 देशों में ही पैदा हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 2019 की पहली तारीख को दुनिया भर में 3,95,072 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा करीब 18% यानी 69,944 बच्चे भारत में पैदा हुए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में इस दिन कुल 44,940 बच्चे पैदा हुए, तो वहीं नाइजीरिया में 25,685, पाकिस्तान में 15,112, इंडोनेशिया में 13,256, अमेरिका में 11,086, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 10,052 और बांग्लादेश में 8,428 बच्चों का इस 1 जनवरी 2019 को जन्म हुआ। वहीं 2017 में करीब 10 लाख बच्चों की मौत जन्म के तुरंत बाद ही हो गई थी। इसके अलावा करीब 25 लाख की मौत जन्म के पहले महीने में ही हो गई। इनमें ज्यादातर बच्चों की मौत समय से पहले जन्म लेने, डिलीवरी के दौरान आने वाली समस्याओं की वजह से हुई, जबकि यूनिसेफ का कहना है कि मेडिकल क्षेत्र में तरक्की के साथ बच्चों की मौत की ये सभी वजहें टाली जा सकती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 2019 में पैदा हुए सभी बच्चे सही सलामत रहें। कीप वॉचिंग पर्यावरण पोस्ट।